थर्ड वेव एप्लीकेशन से, फर्स्ट 22/7/2021 को और सेकंड 12/10/2022 को विड्रॉ है। 1.5 साल से कस्टडी में हूँ, 28/9/2021 से कस्टडी। 28/9/2021 से 1.5 साल। ऑफेंस? ऑफेंस है श्रीमान 306 का ऑफेंस है। मेरी वाइफ की डेथ हुई है, आत्महत्या की है उसने, और शादी को करीब 8 साल से ज़्यादा हो गए। 8 साल से ज़्यादा हो गए। जून 2013 में शादी हुई थी और 27/9/2021 को उसने सुसाइड किया है। और एलिगेशन ये लगा है उसके फादर ने कि मैं शराब वगैरह पीता था। शादी के 7-8 साल तक तो अच्छे रहे, 5-6 साल तक अच्छे रहे। तो जब सुसाइड किया तो आप वहाँ घर में थे कि नहीं थे? नहीं, उस समय तो घर पर नहीं था। अरे भाई पूछने तो दो, अभी ये बताएंगे बाजार गए थे उसके लिए साड़ी खरीदने के लिए, करवा चौथ का समय था, है ना? करवा चौथ का नहीं था, राखी के पास का समय था। राखी के पास समय था, 8 साल शादी के हो चुके थे, तो त्योहार में बहन के लिए सामान खरीदने गए थे, साथ में बीवी के लिए भी गए थे कुछ सामान वगैरह खरीदने। लेकिन घर लौटे तो इतनी कयामत आ गई, बच्ची बीवी लटकी मेरी फांसी के फंदे पे। कितना दुर्भाग्य है आपका। सर एलिगेशन ये लगाया गया है कि उसके फादर ने कि शादी। अरे फादर तो लगाते ही रहते हैं एलिगेशन, लेकिन आप तो देखो। सर मैं 1.5 साल से कस्टडी में। नहीं वो तो 1.5 साल क्या है, मतलब दुख कितना हुआ आपको सोचो। सर उसी दुख के कारण से कस्टडी है, और इस दुख में तो आपको और भी जेल में रहना चाहिए, बाहर निकलो तो उसकी याद आती रहेगी। नहीं सर, अंदर रहोगे तो अपने से बहुत से मिलेंगे तुमको, वो घर का जो तुम्हारा गम बांट लेंगे अपने साथ बैठ करके। बाहर निकलोगे तो अकेले रहोगे, 1.5 साल तनहाई में अकेले रहोगे, अंदर रहोगे तो दोस्त यार रहेंगे तुम्हारे पास में। सर 3 लोगों का स्टेटमेंट हो चुका है, उसके मदर का, फादर का और चाचा जी का, 3 लोगों का स्टेटमेंट। बताओ कितना दुर्भाग्य, कितनी उम्मीद से उन्होंने शादी करी होगी, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मरा पूरा परिवार होगा, और कैसा चली गई वो इनको अकेला छोड़ करके। सर सुसाइड कर लिया उसने, इस कारण से अब एलिगेशन ये। बड़ा बुरा काम किया उसने, और सबसे बुरा जो लग रहा है समाज को कि इनको अकेला छोड़ गई। अब ये कहाँ जाएं? सर फिलहाल तो बाहर आएंगे तो फिर ये खाना कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? वहाँ तो बना बनाया खाना भी मिल रहा है, रहने के लिए सोने के 2 कंबल मिल रहे हैं। और क्या बोलता है वो, क्या बोलते हैं उसको, चबूतरा पे सोते हैं लोग, 6x3 का होता है ना वो, क्या वो क्यों नहीं, बैरक तो होता ही है, चबूतरा ही होता है, चबूतरा होता है ना उसमें। क्या चाहिए तुमको? सर बाहर आना चाहिए सर, 1.5 साल कस्टडी में हो गए। बाहर मत आओ, तुम इस लायक हो ही नहीं बाहर को भेजा जाए। 5 विटनेस के स्टेटमेंट हो गए श्रीमान, इसमें से 3 जो उसके मदर, फादर और चाचा जी, 3 के स्टेटमेंट हो चुके हैं श्रीमान ट्रायल कोर्ट के सामने, और फिर 1.5 साल कस्टडी में। और शराब पियो, बदतमीजी करो, यू आर नॉट फिट टू बी सोसाइटी।